इस स्टेज पर जैसे भी केसेस बढ़ रहा, हालांकि कल मामले कम दर्ज हुए, कितनी तैयारियां हैं? नहीं, हमारे एक तरफ तो जितने पेशेंट्स हैं उनको ठीक करने की तैयारी है, वो उनका ठीक से हॉस्पिटल में केयर हो और उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, वो केस ना बढ़े। दूसरा, उनकी वजह से किसी और केस ना बढ़े, ये भी हमारी तैयारी है। इसीलिए पूरा लॉकडाउन है और अभी जो 20 दिन बाकी बचे हैं, लगभग 18 दिन 19 दिन, उम्मीद करते हैं कि इसके बाद लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा प्रार्थना भी है और उम्मीद भी है, क्योंकि अगर दिल्ली के सब लोग अपने आप को स्टेशन कर लेंगे, अपने आप को रोक के रखेंगे, तो फिर जिसको कोरोना की बीमारी है वो फैलेगी नहीं। कल जो गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक 20 अप्रैल के बाद अनुमति दी जाएगी कुछ जो इंस्टीट्यूशंस उनको खोला जा सके, क्या सरकार भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ रही है, उस तरह की तैयारियां हैं कि रिलैक्सेशन कहां कहां दी जा सकती है? अभी दिल्ली में जिस तरह के केसेस आ रहे थे, हमें पहले ये देखना है कि केसेस किधर जा रहे हैं, केसेस की संख्या कितनी जाती है, 20 तारीख को क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका सारा निर्णय इस पर निर्भर करेगा कि अगले 2-3 दिन में हमारे केसेस किस तरह से मूव करते हैं। अगर केसेस की संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं चाहेंगे, और अगर वो किस एरिया में केसेस की संख्या बढ़ती है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। हॉटस्पॉट की संख्या हर दिन बढ़ रही है, क्या इससे फिक्र करने की जरूरत है, इससे डरने की जरूरत है कि इतने हॉटस्पॉट क्यों बढ़ रहे हैं? हॉटस्पॉट बढ़ना, एक्चुअली हॉटस्पॉट तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, कुल मिला के कहीं पे केस आ रहा है और वहाँ हमें डर है कि वहाँ बढ़ सकता है, तो उस एरिया को हम बहुत रिग्रेसली कंटेन करते रहे हैं ताकि लोग बाहर आना जा सकें, और वो शायद इस बात की तरफ बढ़ता है कि फिर उसमें केस नहीं बढ़ेंगे। जैसे 4-5 जगह तो मैं भी होकर आया, बाकी जगह से रोज स्टडी ले रहे हैं, तो वहाँ पे केस बढ़ नहीं रहे। किसी भी एक इलाके में जहाँ केस आया, उस पूरे इलाके को सील करने का फायदा यह है कि वहाँ फिर केस बढ़ते नहीं है।